Hi guys, assalamu alaikum. Welcome to Lifestyle by Munazza and welcome to another video for your skincare. मैं आपके साथ आज ऐसा अपना फेस मास्क शेयर करने लगी हूँ जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट फेस मास्क है और नॉट जस्ट कि मेरा, मेरी फ्रेंड्स का और मेरी बहनों का भी ये फेवरेट बन चुका है. जब से मैंने उनको बताया था मैं ये फेस मास्क 2016 से लगा रही हूँ क्योंकि 2016 में मुझे ये पता चला था इस फेस मास्क का. तो ये राइस फ्लावर से बनता है और आपको पता है राइस फ्लावर के कोरियन स्किन केयर में बहुत फेमस है राइस फ्लावर, कि राइस के आपकी स्किन के लिए बेतहाशा बेनिफिट्स होते हैं. ये आपकी स्किन को इवन टोन करता है, ब्राइटन करता है. और राइस फ्लावर या राइस से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो कोरियन स्किन केयर में तो एंटी एजिंग के लिए बहुत यूज़ होते हैं. तो ये फेस मास्क बहुत बहुत आसान है. इसके लिए कोई भी ऐसे आपको एक्यूरेसी नहीं चाहिए. अगर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं तो इट डजंट मैटर. तो अब मैं आपको इसका प्रोसीजर बताती हूँ. और अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ वन ऑफ दी परफेक्ट फेस मास्क जो आपको आप घर में बना सकते हैं और लगा सकते हैं और आपको इसके इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे. तो लेट्स गो एंड सी कि ये किस तरह बनता है. अच्छा, तो इस फेस मास्क बनाने के लिए आपने राइस फ्लावर लेना है और आपने ये स्टोर बॉट ही राइस फ्लावर लें, घर में मत बनाएं, उसके रिजल्ट्स इतने स्ट्रांग नहीं आते. तो इसमें मैं डिफरेंट मेजरमेंट यूज़ करी हूँ, लेकिन आप 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर लें और 2 टेबलस्पून मैदा लें और फिर उसको 1 टेबलस्पून मिल्क से या जितनी आपको ज़रूरत हो एक थिक पेस्ट बनाएं जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा होगा और फिर उसको अपने फेस पे अप्लाई करें और उसकी थिक लेयर अप्लाई करनी और आपको ये मैं चेहरे पे भी. अच्छा, तो ये इसकी आसान सी रेसिपी थी. अब आ जाते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है. तो आपने हमेशा इसकी अच्छी खासी क्वांटिटी बनानी है और फिर एक थिक लेयर, मतलब अच्छी खासी थिक लेयर जो है वो आपने अपने पूरे फेस पे अप्लाई करनी है, सॉरी. और अगर चाहें तो नेक पे भी अप्लाई करें ताकि आपका बिल्कुल इवन टोन हो जाए सारी स्किन. और फिर आपने गुड 25 to 30 minutes वेट करना है. यू डोंट वॉन्ट टू कम्प्लीटली ड्राई, लेकिन आपने इसको सेमी ड्राई करना है. फिर जब ये सेमी ड्राई, मैं तो कभी कभी फ़ैन भी लगा लेती हूँ ज़रा जल्दी करने के लिए. फिर जब ये सेमी ड्राई हो जाए तो आराम से आप पानी के स्प्लैशेस डालें अपने चेहरे पे और आहिस्ता आहिस्ता इसको रिमूव कर दें. एंड देन जस्ट डू योर सिंपल थिंग, टोनर लगाएं अगर मर्जी है, सीरम लगाएं तो मर्जी है. फिर कितनी दफ़ा लगाना है. जब मैंने 2017 में या 16 में आई थिंक इसको लगाना शुरू किया था, उस वक्त मेरी स्किन के बहुत मुख्तलिफ टोन्स हो गए थे, मेरी स्किन बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई थी. तो उस वक्त मैं इसको डेली लगाती थी फॉर आई थिंक 15 days मैंने रेगुलरली लगाया था और उसके बाद मैं इसको वीक में 2 दफ़ा करना शुरू कर दिया था. अगर आपकी स्किन को एज सच कोई आपको किसी इवेंट पे नहीं जाना, किसी शादी के लिए आप नई स्किन को बेहतर कर रहे, तो फिर तो आप वीक में 3 दफ़ा कर लें. अदरवाइज अगर आप किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए रेडी हो रहे हैं तो फिर आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप रोज़ इसको अप्लाई करें और आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे. मेरी फ्रेंड्स ने मुझे फीडबैक दिया कि ये इतना अच्छा फेस मास्क है कि इसके रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं. अच्छा, 1-2 चीज़ें जो मैं आपको केयर के लिए बता दूं कि मेरे केस में मेरी स्किन नॉर्मल है लेकिन गर्मियों में मेरा टी जोन ऑयली हो जाता है. तो मैंने सबसे पहले जब इस फेस मास्क को बनाती थी मैंने सिर्फ इसमें मिल्क यूज़ किया था. तो उसके बाद इतने रोज़ मिल्क यूज़ करने की वजह से मेरे थोड़े से एक्ने होना शुरू हो गई थी. फिर उसके बाद मैंने इसको रोज़ वाटर में बनाना शुरू कर दिया था. तो अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है और आप ये फेस मास्क बना रहे हैं तो फिर आप मिल्क मत डालें और रोज़ वाटर डालें. हालांकि मिल्क भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंट होता है इस फेस मास्क में स्किन इम्प्रूव करने में. मिल्क की बहुत स्किन केयर में बहुत इंपॉर्टेंस है. अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है फिर तो परफेक्ट है, आप सिर्फ मिल्क से ही बनाएं. अगर आपकी स्किन नॉर्मल है और एक्नी प्रोन नहीं है तो फिर आप फिर भी मिल्क से बनाएं, क्योंकि मैंने बताया मिल्क इसमें डालने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए. लेकिन अगर आपकी स्किन मेरी तरह है कि नॉर्मल है लेकिन टी जोन ऑयली हो जाता है, या अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे ऑयल्स वाली चीज़ें लगा रहे हैं तो फिर एक आध एक्नी का इशू हो सकता है कि एक आध पिंपल निकल आए, तो फिर मैंने ये करना शुरू किया कि मैं हाफ एंड हाफ ले लेती हूँ. हाफ मैं मिल्क ले लेती हूँ और हाफ रोज़ वाटर लेके उससे पेस्ट बना लेती हूँ. तो आप ये सारी चीज़ें अपने लिहाज से अपनी स्किन को देख के डिसीजन ले सकते हैं. वैसे मैंने कहा सिर्फ मिल्क से बनाएं तो वो बेस्ट चीज़ है, क्योंकि और स्पेशली मिल्क अगर बॉयल ना हो, यानी फ्रेश मिल्क जैसे ही आया है उसको बॉयल के बगैर जब यूज़ करते हैं तो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है. तो आपने ये फेस मास्क भी ज़रूर ट्राई करना है और एटलीस्ट 14 days ट्राई करें और फिर उसके बाद मुझे अपना जो है रिस्पॉन्स या अपना जो फीडबैक है वो इस पर दीजिएगा. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट फेस मास्क. डेफिनेटली 100% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड अगेन वही चीज़ कि डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो मुझे फीडबैक कॉमेंट्स में ज़रूर दिया करें. I would love to have you on my channel. Thank you so much for watching. Khuda Hafiz.